तो यार आज आफ्टर 3-4 डेज यहाँ पर धूप निकली और ये स्नो जो है ना आज मेल्ट हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो यार कैसे हैं आप सब? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो यार आज जो है ना बहुत दिनों बाद धूप निकली है यहाँ पर और उम्मीद है कि ठंड जो है थोड़ी कम हो जाएगी। अभी भी स्टिल यहाँ पर -11 था, अभी मैंने टेम्परेचर चेक किया था। तो खैर अभी हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, 2 क्लासेज हैं हमारी। चलो लेक्चर हॉल की तरफ चलते हैं। यार जो क्लास थी वो ख़त्म हो चुकी है और अभी यहाँ पर जो है वो अटेंडेंस हो रही है। तकरीबन जो लेक्चर्स दे रहे होते हैं तकरीबन 20 ग्रुप एक लेक्चर में होते हैं और तकरीबन 250-300 बच्चा बैठा होता है। तो अब बच्चे, अब टीचर्स जो हैं वो एक एक बच्चे की अटेंडेंस नहीं अगर तो पूरा लेक्चर का टाइम मिल जाता है। टीचर्स क्या करते हैं, हर ग्रुप लीडर को, मतलब 20 ग्रुप्स हैं तो 20 ग्रुप्स के लीडर को अपने पास बुला लेते हैं और जो लाइक 1 by 1 भी ग्रुप अनाउंस करते हैं। जैसे ग्रुप वन और बोलते हैं स्टूडेंट्स खड़े हो जाएं। सपोज करें अगर 5 स्टूडेंट्स हैं तो 5 स्टूडेंट्स खड़े हो जाएंगे और लीडर जो है 5 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस जो है वो पुट कर देगा LMS पे और सर को दिखा देगा। सर बच्चे भी काउंट कर लेंगे, सर LMS पे भी देख लेंगे जो 5 की लगी है। तो इस तरह से अटेंडेंस होती है यहाँ पर। और ये जो है ना हमारी यूनिवर्सिटी का IT डिपार्टमेंट है, अंदर कोई शूट चल रहा है, अंदर जाना वाला हो नहीं तो मैं आपको दिखाती हूँ। खैर अभी हमारी लास्ट क्लास है जो हम लेने जा रहे हैं। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये मैं क्लिप डालूंगी वीडियो में। अबे ये अस्सलाम वालेकुम नूर, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्लास में बैठ के बैक बेंचर्स में वो समोसा खा रहे हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। आज जो ये सूरज निकला ना वो मज़ा आ गया यार इस सूरज से। तो यार यूनिवर्सिटी से वापस हम घर आ चुके हैं और जो हमारी लास्ट क्लास थी इसमें हमारे ग्रुप लीडर को हमारे टीचर ने बोला कि भाई सारी गर्ल्स को और सारी क्लास को समोसे खिलाओ, तो उसने हमें खिलाए तो ये अच्छा हुआ। खैर अभी हम घर जा रहे हैं और रास्ते से एक चीज़ लेनी है, वो लेके घर चलते हैं। तो यार अभी हम यहाँ पर आए हैं इस बेकरी से, इनका जो वनीला वाला इनका पफ है, केक पफ, वो बहुत मज़े का है। तो अभी हमें क्रेविंग हो रही थी समोसे के बाद, तो हमने सोचा क्यों ना कल इसमें ज़्यादा किया जाए। तो यार ये रहा पफ, अंदर जो है ये वनीला की फीलिंग है, मुझे बहुत मज़े का है। ऊपर हनी लगा हुआ है, डिलीशियस। और ये गरम गरम है, अभी बेक होके ही आया बाहर ओवन से। तो गाइस दिस इज़ आवर ब्रेकफास्ट, अभी हम खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे और ये हमारी चाय जो है अभी पक रही है। तो यार अभी का सीन कुछ इस तरह है, नाश्ता वगैरह करके अभी हम बाहर निकले क्योंकि आज वीकेंड था, सैटरडे नाइट, तो हमने सोचा बाहर चलते हैं थोड़ा घूम फिर आते हैं क्योंकि पूरे वीक में तो टाइम ही नहीं होता है, यही दिन होता है सैटरडे कि हम घूमें, क्योंकि संडे को तो बंदा मुश्किल से नींद ही पूरी करता है तो वो दिन नहीं गुजर जाता है। तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। तो एक सैटरडे की बहुत खुशी होती है, सैटरडे नाइट की। तो गाइस ये क्रिसमस की तैयारी है ना, वैसे ये पहले ब्लिंक करता था लाइट, इनकी लाइटें इन्होंने जलाई होती थी पहले, पर ये ऑफ क्यों है? जा पूछ के। बंद क्यों है ना इन लाइटें? लगते हैं इनके पास भी पैसे खत्म हो गए। ये रहा जी क्रिसमस ट्री। कलर में जैकेट नहीं है कोई यार, ये चिट्टे और काले पैंट पहन के थक गए हैं कसम से। कोई ब्राइट कलर नहीं है यार, ब्राइट कलर लाइक कोई मैरून इस टाइप का। तो अभी हम आए हैं जी आम पे, वाह
इनके पास सोचे, इनके पास कुछ प्यारे प्यारी चीज़ें लग रही हैं। लाइक मैक्स पे तो ज़्यादा ही सूफियाना कलर जैसे कहते हैं ना वो पड़े हुए थे, ब्लैक वाइट ग्रीन डार्क ग्रीन ब्राउन। पर हम यहाँ पर देखने आए हैं ब्लैक पैंट, वी आर लुकिंग फॉर ब्लैक पैंट। अब मुझे एक चीज़ की समझ लग रही है, मैंगो वालों का ट्राई रूम है ठीक है, इन्होंने इधर कैमरे क्यों लगाए हैं, लाइक क्यों? मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कोई ट्रायल रूम जहाँ पर कैमरे लगे हों। वो देखो ऊपर है ना, बिल्कुल ही अंदर लगे हैं, मैं पता नहीं क्यों, ये क्या साइकी है इनकी, दिस इज नॉट गुड। पूरे बिश्केक में हमने तकरीबन सारे ब्रांड्स जो है ना वो विजिट किए थे एक दो दिन पहले, लेकिन पूरे बिश्केक में मेरी दोस्त का सिर्फ एक मैंगो पर पैंट पसंद आई थी, उसका स्टफ। तो उसने कहा था एक दो दिन बाद मैं आके देखूंगी, इसमें साइज़ वगैरह ट्राई करूंगी, लेकिन साइज़ ही नहीं था अनफॉर्चुनेटली। तो अभी हम देख रहे हैं मज़ीद ऑप्शन, क्या पता कहीं पर नई वैरायटी आई हो। खैर मैंगो पे हमें नहीं मिली, मिला ही नहीं साइज़। ये रहे क्रिसमस ट्री और इसकी प्राइस जो है वो 24,200 सोम है, मतलब इतना एक्सपेंसिव है। अच्छा बड़े वाले की क्या प्राइस है, ओ माय गॉड 47 तकरीबन 50K का है, वाओ इतना खर्चा। स्टेशन पे इनका ये चिकन बर्गर खाने जो बहुत ज़्यादा मज़े का है, आप ज़रूर ट्राई करें इसको, जल्दी से हम बर्गर खाते हैं। तो जंक फूड खा के अब हम यहाँ आए हैं अपनी कहवा लेने, ग्रीन टी लेने। हाँ भी बताओ, हम वैसे इनमें से कोई ट्राई करते होते हैं, रेड था भी, ये रेड भी नहीं था, रेड था ये, मैंने अपना ब्लॉग में ही बताया हुआ, बस यही था। ओके तो इतना जंक फूड खा और अब हम थोड़ी कैलोरीज बर्न करने के लिए ये ले रहे हैं। तो सारी गला मैं क्या, इसको खोलना पड़ेगा, ये खोला मैंने के बंद किया। बेसिकली मतलब किर्गिस्तान में जो है ना एक ड्यूरेशन होती है गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे ही विंटर स्टार्ट होती है तो वो स्पेसिफिक टाइम होता है, ये जो तपलिनियाँ हैं नीचे ये भी और जो गर्म पानी है गवर्नमेंट की तरफ से वो भी ऑटोमेटिकली आना शुरू रहता है। अब उसके जो है वो पंप होते हैं, लाइक उनको ऑन खुद करना पड़ता है। ये तो हमारा वो एक हमने करवा लिया था आलिक भाई के यहाँ नीचे उनसे, तो जो क्या कहते हैं गर्म पानी था। अब जो हमारी फ्रेंड्स हैं रेशन फ्रेंड्स, उन्होंने मैं बोला कि आप वो भी ऑन कर लो किसी नेबर वगैरह को बोल के, क्योंकि हमारा खजाइन तो आने जरा बिजी है। तो खैर अभी मैंने खुद तुक्के से ऑन किया है और जो गीजर है उसका जो प्लग है वो मैंने निकाल दिया है। गीजर का प्लग मैंने इसलिए निकाला ताकि एक गर ठंडा पानी आता है, क्योंकि गीजर का पानी तो कुछ टाइम के लिए गर्म रहेगा ना, तो कुछ टाइम बाद ही ठंडा हो जाएगा। तो लेट्स सी, अगर उसके बाद ही पानी गर्म रहता तो इसका मतलब कि हमारा गर्म पानी आ चुका है, फिर हमें गीजर की ज़रूरत नहीं है। तो गीज़र हमारा बंद रहेगा और गर्म पानी, अभी चेक करते हैं कि क्या मैंने सही प्लग को सही पाइप को ऑन किया है, लेट्स सी। ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरा आज का व्लॉग, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद ही होगी। तो इसी के साथ आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।